हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व के भूगोल के एक और नए टॉपिक को, जिसका नाम है विश्व के वन। तो आइए जानते हैं कि पूरे विश्व में कौन कौन से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो वन हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसून वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन, शीत शीतोष्ण वन और टैगा पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के जो वन हैं वो पूरे विश्व में पाए जाते हैं अलग अलग स्थानों पे। इसको हम डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन से वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और इनमें कौन कौन से जो मुख्य रूप से जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। तो देखिए, ये जो वन है ये विषुवतीय रेखा प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय रेखीय जो प्रदेश होते हैं और उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है इस क्षेत्र में जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और बात करेंगे अगर इनके वृक्षों के पत्तियों की, ठीक है, इनके पेड़ों की पत्तियों की, तो ये काफ़ी चौड़ी होती हैं अन्य वृक्षों से। फिर है प्रमुख स्थलों में, यानी कि वो स्थल जहाँ पर कि ये वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो वो स्थल या वो स्थान या वो जगह कौन कौन सी है पूरे विश्व में? तो वो है अमेजन एवं जायरी बेसिन, ठीक है, पश्चिम अफ्रीका, तटीय प्रदेश, मलेशिया, तटीय म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया एवं न्यू गुयाना, जो स्थान है यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी सुविधा होगी अगर आप इन सब चीज़ों को जैसे जैसे बताया जा रहा है उनको टिक करते रहें, जो मैप होता है वर्ल्ड का उस पर, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब इसमें आगे हम बात करेंगे कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ये वन होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं, तो इनमें कुछ मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं जिनके नाम हैं महोगनी, आबुनस, शीशम एवं जो तटीय क्षेत्र में जो वृक्ष मिलते हैं वो मैग्रोव अनुप वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई है वृक्षों की। अब जो मैग्रोव वन वाला जो क्षेत्र होता है तो वह क्या करता है, वह चक्रवातों से और अन्य जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं धरती पर तो उनको रोकता है, ज्वारीय तरंगों और साथ में जो उष्णकटिबंधीय झंझावत होते हैं, यानी कि जो वहाँ पर हवाएं चलती हैं, ठीक है, आंधियां चलती हैं, तो इनके विरुद्ध वो अवरोध उनके उनको मतलब रोकता है। ठीक है, उनके विरुद्ध अवरोध के रूप में वो कार्य करता है, यानी कि एक ढाल के रूप में कार्य करते हैं जो मैग्रोव वन जो होते हैं, जिससे कि वनों को नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब देखिए, जो भारत का जो सुंदर वन है तो वो मैग्रोव वनों का एक उदाहरण है। ठीक है, जो कि किसको रोकता है? चक्रवात को रोकता है। अब इसमें हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वन होते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून वन। तो इसके बारे में जानते हैं, ये ऐसे वन होते हैं, ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्थान पर मिलते हैं। तो ये म्यांमार पर मिलते हैं, थाईलैंड में, कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में और भारत के कुछ भागों में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं पूर्वी जावा में ये वन पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय मानसून वन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस वन में टेक, बांस, शाल, चंदन, कटहलता, ठीक है, ये वृक्षों के नाम हैं जो कि यहाँ पर इस उष्णकटिबंधीय वाले जो वन होते हैं इस वाले क्षेत्र में जो ये वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो टीक, बांस, शाल, चंदन, कटहलता, बबूल एवं यूकेलिप्टस, ठीक है, तो ये आदि वृक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये वृक्ष जो होते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून वन, तो ये पर्णपाती होते हैं। ठीक है, पर्णपाती होते हैं, यानी कि इनके पत्ते गिरते हैं। ठीक है, जो सदाबहार वन होते हैं वो हमेशा हरे भरे ही आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो पर्णपाती वन होते हैं उनमें पत्ते गिरते हैं और फिर से नए पत्ते उनमें आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे नंबर पर, जो है शीतोष्ण सदाबहार वन, इसकी हम बात करेंगे। तो ये ऐसे वन होते हैं जो क्षेत्र ऐसे वन क्षेत्रों में साल भर वर्षा होती है, शीतोष्ण सदाबहार वन में। ठीक है, यहाँ पर साल भर वर्षा होती है एवं शीतकालीन में तापमान जो है वो 10 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, शीतकाल में यानी कि सर्दियों में जो तापमान होता है वो 10 डिग्री से
अधिक होता है। इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो चौड़ी होती हैं एवं कुछ वृक्ष इसमें पर्णपाती भी होते हैं, यानी इनमें भी नए पत्ते आते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, हम देखते हैं ये वन जो है दक्षिणी जो चीन है, दक्षिणी जापान, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में नेटाल तट, दक्षिण ब्राज़ील एवं दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अधिकतर जो ये जो वन है वह कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, विश्व के दक्षिणी एरिया में। ठीक है, जो भी आप स्थान यहाँ पर देख रहे होंगे तो दक्षिण चीन जैसा हो गया, दक्षिणी जापान हो गया, ठीक है, तो ये दक्षिण वाले क्षेत्र में ये जो वन है वो अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब है इसमें, इस वन में बांज, कपूर, बांस, यूकेलिप्टस, चीड़, क्यूबेक्रो, अखरोट, हिकोरी, ब्लैकवुड, आयरनवुड, वॉटल आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वन होते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, तो इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं तो ये इनमें बांज, कपूर, बांस, यूकेलिप्टस, चीड़, क्यूबेक्रो, अखरोट, एक प्रकार के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, नेक्स्ट जो है वो है भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन है, तो देखिए जो भूमध्य सागर के निम्न भूमि क्षेत्रों दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, मध्य चिली एवं कैलिफोर्निया में ऐसे वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये इन स्थानों पर जो भूमध्य सागरीय वन है तो वो इन स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, विदेशों में ही आपको अधिकतर ये वन देखने को मिलेंगे। देखिए इस वन में बांज, यूकेलिप्टस, देवदार, साइप्रस, मैक्विस, फ्रांस चैप्रिल जो कैलिफोर्निया में है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये वृक्ष हैं, ठीक है, बांज के वृक्ष, यूकेलिप्टस के वृक्ष, देवदार, साइप्रस, तो ये सारे के सारे जो वृक्ष हैं वो भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें शीत शीतोष्ण वन। ठीक है, शीत शीतोष्ण वन, तो देखिए ये वन क्षेत्र जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी चीन, उत्तरी जापान, कोरिया, दक्षिण में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दक्षिणी चिली होगा यहाँ पर, ठीक है, कोरिया के बाद दक्षिण के साथ दक्षिणी चिली जो स्थान है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वन है शीत शीतोष्ण वन, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से वृक्ष मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, तो ये हुए यहाँ पे बांज, अखरोट, पॉपुलर, हिकोरी, बीच, बादाम, ठीक है, चेरावेल, मेपिल तथा देवदार, स्प्रूस आदि के पौधे, ये सारे वृक्ष जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, शीत शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो आता है छठवें नंबर पे, वो आता है टैगा या पर्णपाती वन भी इसको कहते हैं। तो देखिए ये जो वन है वह यूरेशियाई क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका में, पश्चिमी तट से पूर्वी तट का क्षेत्र तथा मध्य अक्षांशीय घास स्थलों एवं ध्रुवीय टुंडा प्रदेशों के मध्य में ये जो टैगा पर्णपाती वाले जो वन हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इस वन में स्प्रूस, चीड़, विश ग्रजर, साइप्रस, देवदार आदि के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, कहाँ पे, टैगा पर्णपाती वाले जो स्थान हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ कुछ वृक्ष हैं जो सभी जगह के जो वन होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो वृक्षों के नाम हैं जो कि काफ़ी सारे जो अलग अलग प्रकार के वन हैं उनमें पाए जाते हैं, तो आप उसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब आगे हम इसमें बढ़ेंगे, विश्व की वनस्पति के बारे में जानेंगे। कुछ वनस्पतियां हैं जो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्थानों पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए जेरोफाइट नाम के जो वनस्पति होती है वह कौन से स्थान पर मिलती है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की ये वनस्पति होती है। ठीक है, यहाँ पर ये पाई जाती है। फिर आता है हाइग्रोफाइट, ये जो हाइग्रोफाइट वनस्पति होती है, ठीक है, जो कि वनों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे की ये बात हो रही है, तो ये दलदली एवं भूमध्य रेखा जो विषुवतीय रेखा भी हम जिसे कहते हैं, ये उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, हाइग्रोफाइट जो नाम से वनस्पति होती है। फिर है हाइड्रोफाइट, तो ये जल प्लावित क्षेत्रों की ये वनस्पति होती है। फिर नेक्स्ट आता है हेलोफाइट, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। ठीक है, तो यानी कि नमकीन क्षेत्र, यानी कि जहाँ का जो पानी होगा वो कैसा होगा, खारा होगा, तो यहाँ पर ये वनस्पति पानी जो पाई जाती है, हेलोफाइट। फिर है ट्रोपोफाइट, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले घास एवं वनस्पति ये होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जहाँ पर जलवायु होगी वहाँ पर ट्रोपोफाइट नामक जो वनस्पति है वो पाई
जाती है। फिर आता है इसमें नेक्स्ट लिथोफाइट, तो ये कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति होती है, ठीक है, वहाँ पे मिट्टी नहीं बल्कि सिर्फ चट्टानें हैं, चट्टानों में ये उगने वाली वनस्पति होती है जिसको कि लिथोफाइट कहते हैं, ठीक है। फिर आएगा इसमें मेसोफाइट, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ये वनस्पति है मेसोफाइट। फिर नेक्स्ट आता है इसमें क्रायोफाइट, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की ये वनस्पति होती है क्रायोफाइट नामक जो वनस्पति होती है, ठीक है। तो वनस्पति वो होती है जो कि एक क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है, उसमें पेड़ पौधे सभी आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज की जानकारी विश्व की वन के बारे में। वीडियो की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।